यात्राओं से लेकर आज तक गांव में संसद में आने का मौका मिला है। हर बार गांव में एक नया जोश दिखता है और वो जोश हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने का। आज भी जब मैं चौक में घुसा तो एक नई ताकत आप लोगों ने मेरे को दी। मेरे को पूरे दिन में डवाली काड़ा वाली टीका जाने का मौका मिला, करवाना भी जाना, पर साथियों दिन में अपनी विधानसभा भी संभालनी बहुत जरूरी है। मगर जिस तरीके से एक 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 गांव में आप लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, मैं ये मानता हूं कि इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन की मजबूत नींव को रखने का काम करेगा तो अपना कृषिंदु अपना उचारा रखने का काम। और ये जो आपका जोश है, क्या बीजेपी वालों के होश में उड़ाए बैठा? आज तो ये हालत है कि ये बीजेपी वाले ऐसी हालत पे आ चुके कि ये कहने लगे भी मैंने वोट नहीं देना तो दुष्यंत नारायण दी हो कटवाल ने दी। ये चर्चा मांडी में कल करके गए वीरेंद्र सिंह जी तो सोच रहे इसका मतलब खुद ही बंदूक गए, मगर इनके बातों में मत फिसल जा। हमारे लिए तो वो मछली की आंख एक ही चीज है, 21 तारीख की सुबह अपना एक एक वोट चाबी का बटन दबाकर अपने बेटे भाई के पक्ष में आना। साथियों प्रदेश की जो परिस्थितियां, प्रदेश के जो हालात, मेरे को तो लगभग 30 विधानसभा में अब तक इस चुनाव से नॉमिनेशन के बाद जाने का मौका है और हर विधानसभा में ज्यादातर समस्या यही है, पीने का पानी नहीं, गंदे पानी की निकासी नहीं है। आज किसी भी विधानसभा क्षेत्र में ना तो अस्पताल की व्यवस्था है, ना शिक्षा के स्तर में कोई भी हाल उठा। आप खुद देख लो अपने इस इलाके से तो पर्चियां कटाई कि कॉलेज खोला जाएगा और कॉलेज का नाम लिख दिया राजीव गांधी और उसमें कब्जा कर। साथियों आप खुद देखो 5 साल केंद्र में मंत्री रह लिए, 5 साल विधायक रह लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास था, इतना मोटा विभाग है पता नहीं गांव को स्वर्ग बना सकते, मगर कोई एक काम कराया। आज इनसे पूछो 5 साल विधानसभा में रह लिए तो उचाणा हल्के को क्या देगा काम किया। आज अगर एक बाईपास उचाणा का बनना था तो कसुंदू वालों के भी 2 फायदा हो जाता, 2 डी सड़क कम हो जाती, इन्हें वो बाईपास भी कैंसिल करा दिया क्योंकि इनकी कॉलेज की जमीन जा रही। साथियों खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे 5 साल, कई बार उचाणा है, अलग अलग वादे कर गए, बताओ कितने पूरे। आज पूरे प्रदेश के अंदर यही हालात बने हुए हैं कि खट्टर से झूठा आदमी अपने 5 साल में झूठ बोल बोलकर इस प्रदेश को गुमराह किया और अपनी झूठ पकड़ी ना जाए 4 बार इस प्रदेश को आपके हवाले कर दिया। 80 नेते लोगों की जान ले ली इनकी सरकार के अंदर, 516 साल सराहना संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर टूटा, 55 लोग आज जेल के अंदर बंद है, उसमें अपने उचाणा के भी है नरवाना के भी। साथियों एक बार भी खट्टर साहब ने उनके बारे में कुछ बोलने का काम, आज तो इनके पास एक माध्यम है अपने प्रचार को बढ़ाने का, वो माध्यम है 2 गुजराती मोटा भाई और छोटा भाई को जाकर इस प्रदेश में बात करना। मोटा भाई छोटा भाई का क्या काम है, माइक उठाते ही कहेंगे 370 करोड़ की, माइक उठाते ही कहेंगे भारत माता की जय। मेरे को एक चीज बताओ, मौका तो अब आपके पास भी है, उनने तो 370 कश्मीर की तोड़ी और उचाणा की तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे इस बार। साथियों आज मोटा भाई छोटा भाई देशभक्ति की बात करेंगे, उनसे पूछने का काम करना कि ये प्रदेश के अंदर छोड़ दो देश ले लो, हरियाणा के जितने जवान शहीद हुए कि आज तक गुजरात की धरती ने इतने जवान को फौज में भर्ती कराए। साथियों से पूछना कि आकर खट्टर की बड़ाई तो करते, नौकरी अच्छी थी पर नौकरियों में हरियाणा का हिस्सा कितना,
80 एसपी इलेक्ट्रिकल के अंदर दो, उसे पिछले साल 55 में 8। हमारे हिस्से की नौकरी आज गुजरातियों को दी जा रही। गुजरात का बीटेक करावा तो एसपी हो, और हमारा बीटेक करावा डी ग्रुप के अंदर चपरासी भर्ती होता है फोर्थ क्लास। साथियों ये हालात बनती है एमसी एमटेक एमबीए करे हुए बच्चों को भी इन्हें चपरासी भर्ती कर दिया ग्रुप डी। मगर होर्डिंग बड़े बड़े लगा दिए, ना पर्ची ना खरीदी। साथियों से पूछने का काम करो, पर्ची खरीदने की बात करते हो। इनकी तो वो सरकार है जिसके अंदर जुडिशरी का पेपर लीक हुआ, 1 करोड़ में बिकता हुआ पकड़ा गया अंबाड़ा। नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, रेवाड़ी के अंदर 2.5 लाख में बिकता हुआ पकड़ा गया। इनकी सरकार तो वो सरकार है जिसमें निगम की रिपोर्ट आती है 120 पन्नों की हमारे यहाँ जितनी डीसी रेट की नौकरी लगी सारी एमपी एमएलए मंत्री आईएएस सिफारिश कर। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं आपसे पूछ लेता हूं, 5 साल के अंदर कोई अपने स्कूल में नई क्लासरूम बनाई? जितनी भी आपके यहां ग्रांट मैं दे सका एमपी लाइट से भी कोई सरकार की तरफ से एडिशनल ग्रांट आई। साथियों 5 साल में हमारे यहां लड़ाइयां जरूर करवाई, हमारे दलित भाइयों के बीच में लड़ाई लोगों ने करवाई। आप उठाकर देख लो, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई करवाई। ये वो लोग हैं जिनकी सोच एक है कि आपसी भाईचारे को जितना तोड़ा जाए और तोड़कर राज बनाया जाए वही इसका लक्ष्य। साथियों आज तो नशा भी हमारे इलाके में पहुंच चुका। जीत का आदमी तो दूध दही के ने फेमस था नहीं था, सबसे ज्यादा पहलवान अपने इस जिले में थी। मैं भी स्टेडियम से आ रहा था, इतनी छोरियां तो खेलने जा रही थी। कितना ज्यादा योगदान हमारी पीढ़ी का, पर उस पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए आज मैं सीखा जा गया। पता चला कि खुद मुख्यमंत्री मान के गया कि हमारे राज्य में नशा बढ़ी। और दूसरी चीज कहते हमने अपराध कम किया। साथियों हर रोज 1 मर्डर, 3 रेप और 4 डकैती हरियाणा में होते। अभी अभी की घटना है 3 घंटे पहले की, चित्रम मोड़ के पास 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसके हाथ पांव काट के फेंक के चले। शादी ये खट्टर सरकार का राज जहां पर छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। साथियों हर रोज चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं से अखबार की सुर्खियां भरी रहती। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण और है जिससे लोग परेशान है, वो है आवारा पशु। आज खेत में चले जाओ तो किसान पानी लगाने कम जाता है, नवारा पशुओं से रखवाली करने ज्यादा जाता है। और अगर गांव में देख लो, शहरों में देख लो, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई गली नहीं होगी जहां हमारा पशु भागते ना। पर यह वादा मैं करता हूं आपको कि प्रदेश के अंदर इन खाबड़ों से और गुंडों से पूरी तौर पर प्रदेश को मुक्ति आपका राज बच्चे दिलाने आता है।